हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। महंगाई भत्ते में जबरदस्त उछाल हुई है। जनवरी 2021 और जुलाई 2021 से आपको कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सरकार ने जो है अभी अभी नए ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देख सकते हैं राइट साइड में इसके रिगार्डिंग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक, सभी टाइप के कर्मचारियों और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन को मैं पूरा इलेबरेट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार ने जो है जून 2021 तक के लिए डीए और डीआर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का फ्रीज कर रखा है, तो ये जनवरी 2021 का आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि पता है कि आपको कि अगर ये फ्रीज ना हुआ तो हुआ होता तो आपको जुलाई 2020 में 24% डीए और डीआर सरकार प्रोवाइड करा रही होती, जिसकी जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा जो हर महीने की लास्ट वर्किंग डे को जारी किया जाता है, वो आज भी जारी किया गया, उसी के बेसिस पे आपको जो है आपके डीए और डीआर तैयार किया जाता है। तो आगे उसमें ऐड होगा जो भी आपको जून 2021 में आपको सरकार डीए डीआर प्रोवाइड कराएगी, उसमें हर महीने के डीए और डीआर जो होगा वो ऐड होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसे CPIIW भी बोलते हैं, जुलाई 2020 की जो लेबर रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। देख सकते हैं आप आज की ये रिपोर्ट है, जिसमें हमें पूरा नोटिफिकेशन में हमें जो मतलब होता है वो पॉइंट इस पैराग्राफ में, यानी जो डेटा होता है उसी से आप देख सकते हैं। इसमें द ऑल इंडिया CPIIW फॉर जुलाई 2020 इंक्रीज्ड बाय 4 पॉइंट एंड स्टड एट 336 ऑन 1 month परसेंटेज चेंज, इट इंक्रीज्ड बाय +1.020% बिटवीन जून एंड जुलाई 2020 कंपेयर टू +0.95% इंक्रीज बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि पिछले मंथ से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था उसमें 4 अंकों की भारी बढ़ोतरी हुई है। तो ये 4 अंकों से आपका DADR में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन में देख लीजिए कि बाकी जो खाद्य पदार्थ यानी फूड स्टफ उनके बेसिस पर ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार किया जाता है वो ये है, बाकी इनमें जो है बढ़ोतरी और कमी की गई है उसके हिसाब से। बाकी ये सिटीज हैं, इनके बेसिस पर भी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा तैयार किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं किसी किसी शहर में जो है किसी 5 पॉइंट की 2 पॉइंट की अलग अलग पॉइंट की कमी और जो है बढ़ोतरी की गई, तो उसी के बेसिस पर आपका आपका जो DADR तैयार किया जाता है। हमें मतलब होता है इस डेटा से, जो कि डेटा है आप देख सकते हैं 336 यानी कि 336 ये अंक हम जो है डीए कैलकुलेटर में रख के आपको बता पाएंगे कि जनवरी 2021 में कितना आपको डीए डीआर सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस डीए डीआर पर। आप देख सकते हैं हम एक्सपेक्टेड डीए डीआर बता रहे हैं जुलाई जनवरी 2021 के लिए, तो आप सभी को पता है कि जुलाई में जो है आपका जून जुलाई के लिए आपके लास्ट मंथ की जो लेबर रिपोर्ट आई थी वो जून 2020 की थी, इस मंथ की जो रिपोर्ट आई है वो जुलाई 2020 की है, तो 332 अंक के साथ में आपको 24.93 डीए डीआर सरकार प्रोवाइड करा रही थी। अगर आपका ये डीए और डीआर फ्रीज नहीं हुआ होता तो 24% के साथ आपको जो है डीए और डीआर आपको सरकार प्रोवाइड करती। अब आपको पता है कि इस मंथ की जो लेबर रिपोर्ट आई है वो जुलाई 2020 की है, तो 4 अंक की बड़ी बढ़ोतरी के साथ में आपको इस मंथ का जो डीए और डीआर है वो 25.47 है। ऐसे ही हम एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं, 2-2, 3-3 पॉइंट हर मंथ में बढ़ा के चलते हैं, तो हम आपको एक्सपेक्टेड बता पाएंगे कि आपको जो है जनवरी 2021 में कितने परसेंट डीए और डीआर सरकार प्रोवाइड कराएगी। अगर हम मान लेते हैं कि अगस्त में 2 अंक बढ़ता है तो आपका डीए होता है 26.04, वहीं सितंबर की बात करते हैं सितंबर में अगर हम 2 अंक बढ़ते हैं तो 26.62 अंक होता है, अक्टूबर की बात करते हैं तो 343 तीन अंक बढ़ता है तो 27.19 आपका डीए होता है, वहीं बात करते हैं नवंबर 2020 की तो 3 अंक इसमें हम बढ़ोतरी करते हैं तो 346 अंक हो जाते हैं, तो आपका डी हो जाता है 27.7676। और हम फाइनली दिसंबर की बात करते हैं तो 350 4 अंक की इसमें बढ़ोतरी करते हैं तो 350 अंकों के साथ में आपका डीए और डीआर होता है 28.4%, जो कि राउंड अबाउट जो राउंड फिगर में सरकार लेती है, तो आपका एक्सपेक्टेड डीए जनवरी 2021 से होगा 28%। अभी आपका डीए है इस टाइम पे
24%, हालांकि सरकार आपको 17% के हिसाब से प्रोवाइड कराती है। तो आपका जो डीए और डीआर होगा जनवरी 2021 से 28% होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि जब सरकार इसको अनफ्रीज कर देगी यानी जून 2021 के बाद आपको कितने परसेंट डीए और डीआर प्रोवाइड कराएगी, तो मैं आपको बता दूँ आपको 32 से 33% डीए और डीआर सरकार प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि जनवरी 2021 के बाद में जुलाई 2021 तक के बीच में कम से कम 4% की अंकों की वृद्धि तो होगी होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि 32 से 33% आपको डीए और डीआर सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो 17 से अगर 32 पहुंचता है तो 15 से 17 अंक की काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए काफ़ी सैलरी जो हो जाएगी। अगर 17 अंक भी बढ़ते हैं तो काफ़ी अंक होते हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी मिनिमम 5,000 से लेके आप ये समझिए कि 12 से 15,000 तक की सैलरी कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी होगी। तो वीडियो में समझता हूँ कि आपको समझ गए होंगे कितना परसेंट डीए मिलेगा। फाइनली आपको 28% डीए एक्सपेक्टेड है, डीए मिल सकता है आपको। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।